हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार प्रधान स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल प्रधान टेक्निकल फोरम। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कास्टेबल यूज्ड इन डीआरआई रोटरी क्लेन। डीआरआई रोटरी क्लेन में जो कास्टेबल यूज होता है, जैसे कि LC45, LC60, LC8, इसका बारे में कम्प्लीटली डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज रिफ्रैक्टोरी इन मेटेरियल साइंस? ए रिफ्रैक्टोरी मेटेरियल और रिफ्रैक्टोरी इज ए मेटेरियल दैट इज रेजिस्टेंस टू डीकम्पोजिशन बाय हीट, प्रेशर और केमिकल अटैक एंड रिटेन स्ट्रेंथ एंड फॉर्म एट हाई टेम्परेचर। इसका मीनिंग ये है, रिफ्रैक्टोरी मेटेरियल ऐसा मेटेरियल है जो कि हीट, प्रेशर और केमिकल अटैक में इसका जो स्ट्रेंथ है वो अपघटन मतलब डिकम्पोजिशन नहीं होता है। रिफ्रैक्टोरी मेटेरियल सर्विसिंग एज ए थर्मल बैरियर बिटवीन ए हॉट मीडियम एंड द वॉल ऑफ अ कंटेनिंग वेस्ट। रिफ्रैक्टोरी मेटेरियल बैरियर जैसा काम करता है, जिसका वजह से क्या होता है, हॉट मीडियम और कंटेनिंग वेसल सेव रहता है। रिफ्रैक्टोरी प्रोवाइडिंग थर्मल इंसुलेशन, इसका बारे में जानकारी के लिए किलन का इनसाइड का एक व्यू हम दिखाए हैं, जिसमें रेडिएशन हीट एक्सचेंज कैसे हो रहा है उसका बारे में हम डिटेल्स बताए हैं। डीआरआई रोटरी किलन में जो कास्टेबल यूज होता है, उसका जो थिकनेस है 350 टीपीडी के लिए 230 एमएम और 100 टीपीडी के लिए 200 एमएम, और इस जो कास्टेबल लगता है ये लो सीमेंट अल्मीना कास्टेबल है। इसको LC45, LC60 और LC80 बोल के बोला जाता है, उसका बारे में आगे कम्प्लीटली डिस्कशन करेंगे। रिफ्रैक्टोरी मटेरियल का एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है रिफ्रैक्टोरीनेस। व्हाट इज रिफ्रैक्टोरीनेस? रिफ्रैक्टोरीनेस इज द स्टेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल एट हाई टेम्परेचर्स विदाउट एनी चेंज इन शेप, साइज एंड केमिकल कंपोजिशन एंड इज मेजर्ड विथ ए पायरोमेट्रिक कोन इक्विवेलेंट टेस्ट। इसका मतलब ये है, एट हाई टेम्परेचर में रिफ्रैक्टोरी मटेरियल का शेप, साइज एंड केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे LC45। इसमें एलुमिना परसेंटेज जो है, केमिकल कंपोजिशन जो रहता है, एलुमिना परसेंटेज रहता है 45% मिनिमम, और Fe2O3 रहता है 1% मैक्सिमम, और SiO2 जो है 47.8%, TiO2 2.4%, कैल्शियम ऑक्साइड CaO 1.7%, LOI जो है लॉस ऑन इग्निशन 0.30%। इसका जो सर्विस टेम्परेचर है 1550 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम, और रिफ्रैक्टोरीनेस जो है 1720 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम, और ग्रेन साइज जो है 0-6 एमएम मैक्सिमम, और रॉ मटेरियल बेस कैल्साइन क्ले यूज होता है। नेचर ऑफ बॉन्ड जो है हाइड्रोलिक है। इसका बल्क डेंसिटी जो है 2.5 और स्टोरेज लाइफ जो है 6 मंथ, और वाटर रिक्वायरमेंट फॉर कास्टिंग 4.825%, और इंस्टॉलेशन जो है वाइब्रेशन कास्टिंग। फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे LC60 कास्टेबल का बारे में। इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, Al2O3 60% रहता है, और Fe2O3 1.5% मैक्सिमम रहता है, और SiO2 33.20%, TiO2 2.6%, CaO कैल्शियम ऑक्साइड 1.7%, और LOI लॉस ऑन इग्निशन 0.20%। इसका जो सर्विस टेम्परेचर है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम, और रिफ्रैक्टोरीनेस जो है 1800 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम, और ग्रेन साइज 0-6 mm, और नेचर ऑफ बॉन्ड जो है हाइड्रोलिक है, और स्टोरेज लाइफ जो है 6 मंथ, और इसका जो बल्क डेंसिटी है 2.7, और वाटर रिक्वायरमेंट जो है इसका 5-6%, और इसका इंस्टॉलेशन जो है वाइब्रेशन कास्टिंग, और रॉ मटेरियल बेस जो है कंसाइल्ड क्ले एंड बॉक्साइट, कंसाइल्ड बॉक्साइट। फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे LC80 कास्टेबल का बारे में। इसका जो केमिकल कंपोजिशन Al2O3 80% रहता है, और Fe2O3 1.8%, SiO2 12.2%, और TiO2 3.3%, CaO कैल्शियम ऑक्साइड 1.8%, और LOI जो है 0.30%, और इसका जो सर्विस टेम्परेचर जो है वो 1700 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम, और इसका रिफ्रैक्टोरीनेस जो है 1800 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम, और ग्रेन साइज जो है 0-6 mm,
और नेचर ऑफ बॉन्ड जो है हाइड्रोलिक स्टोरेज लाइफ जो है 6 मंथ, और इसका जो बल्क डेंसिटी 2.9, और रॉ मटेरियल बेस जो है कांसाइल्ड बॉक्साइड, और इंस्टॉलेशन वाइब्रेशन कास्टिंग और वाटर रिक्वायरमेंट जो है 5 to 6%। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको 1% भी अच्छा लगेगा प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और ऑल कर दीजिएगा, जैसे कि मेरा वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। धन्यवाद।